हेलो, सलाम अलैकुम जी। बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मेरी जान, फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा अच्छा आप इस तरह करें, फौरन फौरन लिंकोस्पायरा के इंजेक्शन लगवाएं, लिंकोस्पायरा के इंजेक्शन लगाएं, और इसके साथ सेलाइन एलेक्सिरी भी इसको दें। सेलाइन एलेक्सिरी एक घर में बना लें, वो उसमें होता है। आपने कभी फार्मूला नहीं लिया मुझसे? अच्छा मेरी जान, ये जितने भी बकरियां बकरे जिन्होंने रखे हुए हैं, इनको अक्सर खांसी की और जुकाम की नजला नाक बहनी शुरू हो जाती है और खांसी लग जाती है, और उनको सेलाइन एलेक्चुरी आप घर में बना के रखें, उसमें लिखें अलसी ले लें। एक ही है बकरा? जाहिर है नीलजान जो होता है वो बड़े जानवर को देते हैं, इनको नील वर्म दे देते हैं, या कोई थोड़ी डोज कम होती है वो देते हैं। और इसके लिए अब आइंदा जब भी देना है तो चेंज करके देना है दवाई, ये नहीं डी वर्मर हमेशा याद रखें। एक दफा जो दे दें, दोबारा से जब इसको रिपीट करेंगे तो दोबारा दूसरा दे और कोई ले लेना है, ठीक है? वो मैं आपको बताऊंगा, वे मेरे प्रोग्राम्स देखते रहेंगे, आपको पता चलता जाएगा कि मैं अगर नीलजान वाल से काम नहीं होता तो फिर उसके बाद मैं और देता हूं उनको, के डी वर्मर जो है वो चेंज करें। उससे ये होता है कि कई दफा ऐसे मलाप होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस पार बढ़ जाती है, तो उनको अगर चेंज करके देंगे, ए बेंटेन लिख लें आइंदा के लिए। हाँ, ए बेंटेन लिख के ये इसके साथ डी वर्मिंग करें, और सेलाइन लेक्चरी का फार्मूला लिख लें, ये गुलकंद टाइप बन जाएगी ये। इसको सुबह दोपहर शाम रोजाना आपने को कम से कम 20 ग्राम दे देनी है, ये खलानी चटानी है, खलानी है। ये अलसी ले लें 250 ग्राम, मलट्ठी 125 ग्राम, नौशादर ले लें 50 ग्राम, और गुड़ ले लें 250 ग्राम। इन सब को इकट्ठा ही कूट के फर्स्ट क्लास मिक्स कर लें, ये बेहतरीन गुलकंद टाइप बन जाएगी। ये देनी है सुबह दोपहर शाम, इससे कि उसका जुकाम और जो नाक बह रहा है वो ठीक होगा। और दूसरा ये है कि दूसरा वाला जो ठीक भी है उनको भी दे दिया करें, उसमें उनमें कुव्वते मुदाफ़ियत होगी। बुखार के लिए, अगर बुखार चूंकि आपने नाक बैठने का दिखा है तो लिंकोस्पायरा का मैंने कहा आप उसको इंजेक्शन लगवाएं, नहीं है ना नहीं उतर रहा तो एक सेफर का इंजेक्शन देते हैं, सेफर CEFUR, सेफर के इंजेक्शन लगाते हैं जो बार बार बुखार हो रहा हो। हाँ, और भी बुखार के लिए बहुत आपको फिवोनिल मिल जाता है, वो भी अच्छा है। एक और एक्स सेफर भी होता है, EXCEFUR, ये भी बुखार अगर बिगड़ा हुआ बुखार हो ना तो उसके लिए ये दोनों सेफर और या एक्स सेफर, ये 4 से 5 दिन टीके लगाते हैं, रोजाना एक लगाना टीका। ये उसके ऊपर लिखा होगा, आप अगर बड़ा जानवर होता है उसको 10 CC लगता है,
और इसको ये समझे बकरा है बकरी है, इसको 2 सीसी का लग जाएगा, या देख लेना ना जो भी उस पे लिखा होगा। ठीक तो है, इसका आपने बताया कि लिंगो स्पायरा लगाऊं या जो अभी बताया आपने वो लगाऊं? जो आप देखो अगर डुअल पर्पस है ना, वो खांसी और साथ नाक बह रहा है बुखार है, तो फिर तो वो लिंकोस्पारा चलेगा। अगर सिर्फ बुखार का करना है तो वो, और बिगड़ा हुआ है बुखार, तो सेफर या एक्स सेफर लगाएं। ठीक बहुत शुक्रिया। है, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला फजल करेगा और दुआ करूंगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दो है ना, दो बकरे लिए है ना। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ना कुछ दिनों से ठीक नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है क्यों। अच्छा भला खाता था लेकिन अभी खा दे रहा, लेकिन बात अब कोई नहीं, नहीं। अल्लाह ताला रहम करेगा सर, थोड़ा बहुत सदका छदका भी देते रहा करें। जी वो जामन के पत्थर भी मैंने तो खिलाए थे, मैंने मैं कह रहा हूं को गरीबों को भी सदका वगैरह देते रहा करें। नहीं, ये ना हो कि गरीबों को आप पत्ते खिलाना शुरू कर दें, खुद खाते ताकि वेरी वो गुड, बच के वेरी रहे। वेरी गुड, दुआ करूंगा ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ नहीं, काल ये काल पोल से नहीं ठीक होगा, ये सेफर एक्स सेफर से बुखार उतरेगा, और अगर फिर भी ना हो तो वेटाफेनिक भी लगा सकते हैं। हाँ आप देख लें, इतनी ज्यादा चॉइस मैं आपको दे रहा हूं, और साथ इसको ताकत के लिए मेथी को बाल का लगा दिया करें कभी कभी। हाँ कभी कभी लगाया करें मेथी को बाल, ताकि ताकत उसको आए, वो अल्लाह फजल करेगा ठीक हो जाएगा। आपको कौन सी जगह पे है? हाँ सारों की ये साथ ही हमारे वो अब्दुल मालिक चीमा के साथ गाँव है उनका। अच्छा वो है जो ये अहमद नासर चिट्ठे वाले के, मैं समझ गया, मास्टर अशरफ है ना, उनके गांव के साथ ही है। ओके, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत अबू इमामा रज़ील ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी दुआ ज़्यादा कबूल होती है? आपने फरमाया, रात के पिछले पहर में और फर्द नमाजों के बाद। मैं तिरमिजी से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फ़ीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रबता करें। शुक्रिया।